Assalamu alaikum. Hi everyone and benvenuti in Italian Dhaba. आज हमारे ढाबे में बन रहा है कोफ्ता करी. लोग बहुत से तरीकों से बनाते हैं लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ मैं वो ये बेसिक अपना जिस तरीके से मैं खुद बनाती हूँ मैं वो वाला तरीका आपको बता रही हूँ और आप इसे बनाकर देखिएगा यकीनन आपको पसंद आएगी और बहुत अच्छी बनेगी. इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें हमने लिया है 500 ग्राम कीमा लिया है. इसको हमने चॉपर में नहीं पीसा सिर्फ ये दो दफ़ा मशीन से निकला हुआ है. एक छोटी प्याज थी उसके साथ तीन हरी मिर्चों को पीसा है. दो टेबलस्पून चने का पाउडर है. दो टेबलस्पून बादाम का पाउडर है. बादामों को छील कर भिगो कर छील कर फिर उनको सुखा कर पीसा है. एक टेबलस्पून खशखाश है पीसी हुई. ये बहुत मुश्किल है पीसनी. पहले इसको अच्छे से साफ करना है उसके क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है. फिर इसको मैंने थोड़े से नमक के साथ पीसा है. हाफ टी स्पून नमक है. एक टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है. हाफ टी स्पून लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून गरम मसाला है. अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे. पहले हम मतलब अपनी प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे. फिर हम इसमें ये भुने हुए चने डालेंगे. चने भी मैं आपको दिखा दूँ कौन से हैं. ये चने हैं पिसे हुए नहीं. ये चने हैं इनको हमने पीसा है. ये भुने हुए चने हैं इनको हमने छील कर और फिर पीसा है. छिलके समेत नहीं पीसा. हमने जो मसाले आपको बताए थे वो मिक्स करके ये कीमे के बॉल्स बना लिए. इसको हमने चापर में बिल्कुल नहीं पीसा. ये सिर्फ दो मरतबा का मशीन का निकला हुआ कीमा था. हमारे घर चापर में पीस के बनाए हुए कोफ्ते जो पसंद नहीं किए जाते तो उनके हमने ये बॉल्स बना लिए हैं. अब इसके अलावा हमें ग्रेवी के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हमें ये हाफ कप फ्राई प्याज चाहिए होगी जो कि हमने पहले से कर ली है. हाफ कप दही चाहिए होगा. ये 5 से 6 जो है हमें टोमेटो क्यूब्स चाहिए होंगे. ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा. लाल मिर्च का पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून. सॉल्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून. हल्दी चाहिए होगी 1/2 टीस्पून. गरम मसाला चाहिए होगा 1/2 टीस्पून. दो हरी मिर्चें हैं जिनको हमने स्लिट कर लिया और थोड़ा सा हरा धनिया है. इसके अलावा 1/2 कप ऑयल है. तो भाई कुकिंग की तरफ चलते हैं. कुकिंग करने से पहले मैं ये प्याज और दही को जो है ब्लेंड कर लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी. ये हमने 1/2 कप के जितना ऑयल लिया है और अपना फ्लेम ऑन कर लिया है. अब ये हम इसमें ज़रा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे. अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा भून लेंगे. हमने आंच मीडियम टू लो रखी हुई है. तेज आंच पर नहीं भूनेंगे. ये हमारा अदरक लहसुन जो है ये हो चुका है. अब हम इसके अंदर ये अपना ब्लेंड किया हुआ पेस्ट जो है जो कि हमने दही और प्याज को फ्राई प्याज को ब्लेंड किया था ये डाल देंगे. यह हमने इसमें अब दही और टमाटो प्याज जो ब्लेंड किया था वो डाल दिए. साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक और अपने टमाटो क्यूब्स. ये अगर बने हुए हो तो ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और सिल्की बनती है. और अगर आपने बना कर रखे हो तो आपको बड़ी सहूलत रहती है. बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनेगी. अब हम इसको 7 से 8 मिनट भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर. ये हमारा मसाला 10 मिनट भूनने के बाद ये इस तरह हो चुका है जैसा हमें चाहिए था. अब हम इसके अंदर 1 ग्लास के जितना गर्म पानी डाल देंगे और अपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे. अब हम अपने कोफ्ते जो है वो एक एक करके इसमें डालते जाएंगे.
10 मिनट हो चुके हैं हमारे इनको पकते हुए, कोफ्तों को पकते हुए। और ये देख लें, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं, ग्रेवी भी ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी दो हरी मिर्चें डाल देंगे जिनको हमने स्लिप में काटा हुआ है लंबा, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देंगे। और 2 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, और फिर इसको हम सर्व करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे इसको कवर किए हुए हमें। अब हम इसको खोलेंगे और इसमें हरा धनिया डालेंगे, और हल्के हाथ से इसको जरा सा मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे ना। ग्रेवी देख लें आप कितनी स्मूथ और सिल्की है, बिल्कुल। ये अब आपकी मर्जी है, आप अगर इसको इससे ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा थिक भी रख सकते हैं, और अगर ऐसा रखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी रख सकते हैं। अब हम इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये हमारी कोफ्ता करी बनकर तैयार है, जिसको हमने उबले हुए अंडों के साथ गार्निश किया। अब आप इसको अपने घर में बनाएं, और यकीन जाने बहुत मज़े किया मैंने टेस्ट करके देखा, और इसको एंजॉय करें। मैं आपको कोफ्ता भी दिखाती हूँ, देख लें आप कितना नरम है, ये देखें बिल्कुल नरम है। आप इसको अपने घर में बनाएं और खाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। हमारी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसे हमारे चैनल इटालियन ढाबा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारी हौसला अफजाई करें।